everybody, welcome and welcome back to our channel. If you're new there, hi, I'm Trish, and in today's video we are going to talk about my favorite makeup influencers and me trying some new good products and my review. So yeah, keep on watching. Hi. तो चलिए शुरू करते हैं और अपडेट दे देती हूँ कि व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ. आई एम यूजिंग माय मॉइस्चराइजर टू प्रेप माय स्किन फ्रॉम डॉट एंड की. इसमें पेप्टाइड और सेरामाइड दोनों है. या मेकअप स्टॉप करने पहले स्किन केयर इज सो इम्पॉर्टेंट. एंड मतलब पेप्टाइड एंड सेरामाइड ये कुछ न्यू चीज़ है जो मैंने मेरी स्किन केयर में ऐड करी है और इसने मुझे थोड़े गुड गिफ्ट्स भी दिए. बट जस्ट कैंट ब्लेम इट ना, क्योंकि टाइम तो ज़्यादा ही हो गया हम उसको यूज़ करते हैं. बट ठीक है, आई एम लाइकिंग इट फॉर विंटर पर्पसेज. इट्स अ थम्स अप टू मी. स्टार्ट विद माय लिप बम विच इज़ फ्रॉम लेनेश, विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड स्लीपिंग लिप स्लीपिंग मास्क. अगर आपको बैकग्राउंड से नॉइज आ रही है, सो सॉरी, क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रहा है एंड एज यू नो दैट आई डोंट लिव इन हॉस्टल एनीमोर. सो यस, एज यू गाइस नो दिस वीडियो इज़ अबाउट मी trying new makeup, new skin care and talking and basically just chit-chatting about everything that's happening new in my life. I hope. By the way, I really love this top and I got it from Myntra and I'm like, wow! Just looking like a wow. So, let's start with the video. जो मैं काफ़ी देर से बोल चुकी हूँ, काफ़ी बार बोल चुकी हूँ और लाइट चली गई है गाइस. तो मैंने बताया नहीं, एक्चुअली आई एम गोइंग फॉर अ पार्टी टुडे. मतलब फेयरवेल पार्टी है जिसके लिए आई एम गोइंग और उसके लिए आई एम डूइंग माय मेकअप. बट बहुत टाइम हो गया था मुझे कोई मतलब मेकअप वीडियो बनाए हुए. मुझे ना बेसिकली ऐसे चिटचैट सॉर्ट ऑफ वीडियो चाहिए. होता है एक पैटर्न को चेंज करना, मतलब अनलर्न करना. आई वाज लाइक इट इज समथिंग विच इज़ वेरी डिफिकल्ट एंड लोग इतनी जल्दी इस चीज़ को ना समझ नहीं पाते हैं. लेट्स स्टार्ट कंसीलिंग. गाइस ट्रस्ट मी, इट्स नॉट अ चैलेंज बट आई एम नॉट इवन यूजिंग अ मिरर. लाइक इन गेट अ मिरर, हियर आई हैव इट. नेल पिंच खराब होगी मेरी. यही होता है, इनको खोलने के चक्कर में ना नेल पिंच चिपक जाती है. बाय द वे दिस इज स्टार कंसीलर, वेरी गुड कंसीलर. और स्पेशली क्योंकि अब वैसे भी विंटर्स आ चुके हैं जहाँ आपकी स्किन ऐसे डिहाइड्रेटेड सॉर्ट ऑफ हो जाती है, तो यू कैन गो फॉर दिस यू नो कंसीलर. इट्स टू गुड एंड इट्स मेड इन इंडिया, सो जितनी तारीफ करो उतनी कम है. और मुझे इसे स्पॉट करेक्शन करना अच्छा लगता है, मतलब जहाँ भी आई एम हैविंग एक्ने आई यूज इट. एंड मतलब मैंने इसे गोवा में भी यूज़ किया था एंड मैं नहीं, मेरी सारी फ्रेंड्स ने भी इसे यूज़ किया था एंड वी रियली लव्ड इट. लाइक भी नहीं कहूँगा, आई लव्ड इट, वी ऑल रियली लव्ड इट. इसकी जो क्रीमी कंसिस्टेंसी है जस्ट से मैक की ड्यूप लगती है मुझे कंसीलर्स की. सो कुडोज, अ वेरी गुड एंड अफोर्डेबल सोल्यूशन फॉर दैट. सो या वी वर एट आशनाज राइट. सो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओ मेरे व्यूअर्स कि क्या आप लोगों को आशना पसंद है और उनके कौन से वीडियोस हैं जो आप लोगों ने देखे हैं. नॉट से दैट आई एम ओ माय गॉड डाई हार्ड आशना फैन. मैंने उन्हें ऐसे लेटली ही फॉलो करना स्टार्ट किया, क्योंकि मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी से बात कर रहे हो मतलब या सुन भी रहे हो ना, तो आपको ऐसे अचानक से कुछ चीज़ें से स्ट्राइक करती है कि ओ माय गॉड वाओ यार,
इस पर्सन का ऑरा इज वेरी डिफरेंट समथिंग, कि उनकी जो वाइब्रेशन है, ही और शी इज वाइब्रेटिंग ऑन अ हायर फ्रीक्वेंसी देन आई डू, और वो फिर पॉइंट अलग ही हिट करता है. सो दिस इज लाइक एन ओल्ड प्रोडक्ट बट आई विल यूज इट, क्योंकि दिस इज द ओनली मेकअप पिक्सल दैट आई हैव. सो दिस इज ऑल्सो मेकअप टिप विच आई गेस आई हैव यू नो लर्न फ्रॉम कोई ना कोई तो यूट्यूबर, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, मे बी श्रेया जैन. सो नेक्स्ट लेट्स मूव फॉरवर्ड टू श्रेया जैन. एंड अभी उनकी आई थिंक समथिंग कोई तो सीरीज वो चला रही हैं जहाँ पर उन्होंने दुर्गा पूजा से लेके दिवाली तक शी विल डू लाइक न्यू लुक्स एंड देयर शी इज ट्राइंग न्यू सॉर्ट ऑफ मेकअप एंड एवरीथिंग एंड इट्स जस्ट लाइक अ ट्रीट टू आर आईज, क्योंकि यार आई एम अ वेरी बिग मेकअप एंथुजियास्ट और ऑफकोर्स इफ आई एम पुटिंग माई मनी इन समथिंग सो मुझे इतना तो एटलीस्ट कॉन्फिडेंस चाहिए दैट आई एम पुटिंग इट ऑन अ राइट प्लेस, आई एम नॉट वेस्टिंग इट एंड स्टफ लाइक दैट. सो या I'm actually very much enjoying it recently. उन्होंने इतने सारे रिव्यू शेयर किए हैं एंड एवरीथिंग लाइक दैट. तो नाउ लेट्स मूव टू आवर मेकअप एंड नाउ आई एम यूजिंग द स्विस ब्यूटी का आईब्रो पैलेट. मतलब अगर आप लोग मुझे जानते हैं आपको पता होगा कि आईब्रोज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मेकअप है. लाइक आई जस्ट कैन नॉट सर्वाइव विदाउट डूइंग माई आईब्रोज, दे शुड बी प्रिसाइज, है ना. बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई एम ब्लेस्ड with good eyebrows, है ना. You can see I'm blessed with good eyebrows and I want to maintain them. ये मेरी second palette है, मतलब Swiss Beauty की एक मैं खा चुकी हूँ, मतलब ऐसे कि टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं उसके. I mean really वो दो parts में हो चुकी है. I still use it sometimes but yeah, अभी video के purpose से मैंने सोचा न्यू मेकअप प्रोडक्ट यूज़ करने हैं तो यही यूज़ कर लूँ एंड इट्स 10/10. इसके अलावा आई लव द लॉरियल वन एज वेल. अगर आपका बजट है उस रेंज में तो आप जा सकते हो, अदरवाइज मिड रेंज में दिस इज द बेस्ट पैलेट दैट यू कैन हैव. नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द आईज. और मुझे कुछ ऐसा ड्रास्टिक कुछ नहीं करना मेरी आईज को लेके, बट स्टिल लेट्स डू बहुत ऐसा समथिंग हल्का लाइट, क्योंकि आई डोंट वॉन्ट कि ऐसा लगे कि दैट सृष्टि सेंट्रिक जहाँ भी आई एम गोइंग डीप स्टिल. सो आई एम यूजिंग दिस के बाय कैटरीना पैलेट एंड फाइनली आई एम हैविंग समथिंग फ्रॉम के ब्यूटी. मतलब अच्छा लगता है यार ऐसे, व्हेन यू आर अ मेकअप एंथुजियास्ट आप डिफरेंट ब्रांड्स की चीज़ें यू नो यूज़ करो. या एंड रिसेंटली आई लर्नड अबाउट आई मेकअप इज अर्ली आई यूज टू यू नो डू अ लॉट ऑफ प्रेशर ओवर योर, ऐसे ना कस के ऐसे रगड़ने लगती थी मैं ब्रशेस को कि ओ माय गॉड पिगमेंट आ जाए. बट लेटली यू नो कि आपको बहुत हल्के हाथ से आपकी क्रीज पर यू नो आपका जो ब्रश है उससे उससे करना है. सी आई एम नॉट अ वेरी बिग मेकअप गुरु और समथिंग बट आई रियली इन्जॉय डूइंग मेकअप. तो यस, सो वेवर वी, मैं तो भूल गई, वी वर एट श्रेया जैन कि अभी यू नो उनकी वीडियोज़ वो क्या करेंटली कर रही हैं. एंड आई एम अ वेरी बिग श्रेया गर्ल. मतलब मेरे लिए मेकअप का ऑल्टरनेटिव नेम विल बी श्रेया जैन, क्योंकि अगर उन्होंने कुछ बोल दिया है फॉर मी इट्स लाइक यू नो कॉन्क्रीट, क्योंकि मुझे जितना उनके बातों पर ट्रस्ट है, जितना मतलब उनको मैंने मेकअप में देखा है, आई डोंट थिंक सो कि कोई भी उनके यू नो इतने भी क्लोज अभी तक भी आ चुका है, इररिस्पेक्टिव वो कोई भी क्यों ना. आई जस्ट लव श्रेया जैन, आई जस्ट लव हर कॉन्टेंट. इररिस्पेक्टिव वो कुछ भी बना दे, वो कुछ किसी भी टाइप की वीडियो बना दे, मेरा व्यू और मेरा कमेंट ज़रूर उनके पास जाएगा. आई लव हर. और मुझे उनके मेकअप लुक्स बहुत ज़्यादा पसंद है, उनकी अफोर्डेबल कैटेगरीज वाली यू नो जो वीडियोज़ आती हैं मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद है. सो ये मेरा थोड़ा श्रेया को लेकर के पॉइंट ऑफ व्यू था. अदर देन दैट मेरे जो और भी ज़्यादा मतलब ऐसे अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये क्या है तो डोंट वरी, वो थोड़ा भी क्लीन अप करेंगे हम, इसकी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं. ओके, सो आई वाज एट श्रेया जैन एंड आई वाज सेइंग कि आई जस्ट लव 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 हर एंड आई जस्ट लव हर एक्सेंट. अच्छा, मतलब वन थिंग दैट आई हैव सीन कि अगर आप श्रेया जैन की वीडियो देख रहे हो ना, आप सिर्फ मेकअप नहीं, आप कुछ न्यू इंग्लिश वर्ड्स भी सीखे जाओगे. शी इज टू गुड मैन. आई मीन यू नो सिल्वर नॉट सिल्वर गोल्डन मेरी आईलेट्स पे, ठीक है, उससे हमारा आई लुक हम ख़त्म करेंगे. ये अभी ऐसा लग रहा होगा किसी ने मेरे मुक्का मारा है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है.
अभी आप एंड तक और द गोल्डन थिंग आई एम यूजिंग दिस मार्स का पैलेट अभी अभी जस्ट खोला है इसको मैंने इसमें से मुझे गोल्डन कलर लेना है गो विद दिस कलर प्रोबेबली ओह माय गॉड दिस इज सो प्रीटी फर्स्टिंग गोल्डन कलर आई विल अप्लाई इट एट द सेंटर ऑफ माय आईलिड्स गॉर्जियस हाई फाइज पे लगाएंगे सेम काम यहां करेंगे हाफ आईज पर अप्लाई करेंगे सी कितना पुट टुगेदर सा लगता है यार वाह यार वेरी सिंपल सटल बट वेरी प्रिटी फिर वापस से वही आई शेडो पैलेट मतलब ब्रश लेके मैं सारा वापस से ब्लेंड कर दूंगी इसे कि बहुत ज्यादा चिमचिम नहीं लगे ओके सो आई एम थिंकिंग आई शुड डू एन आईलाइनर और आई शुड नॉट डू एन आईलाइनर यार ये हमेशा की कंफ्यूजन रहती है मेरी सो आई थिंक दैट आई विल डू एन आईलाइनर लेट्स डू For eyeliner, I am doing this glossal Maybelline classic eyeliner. This is like their ring liner. So, I will show you the eyeliner lagane ke baad bolti. Now, don't know the purpose why I am filming this video, but yeah, okay, good. Cool. ऐसे मेरे साथ बहुत बार होता है. ऐसे चलते फिरते ना मुझे identity crisis होने लगता है. Reason ढूंढने लगती हूँ that why me? So, बताना मुझे कि ऐसे worthless वाली वाइब सिर्फ मुझे ही आती है कि आपको भी by the way I've done my mascara और आप देख सकते हो कि pretty sheen है मेरे face पे this is just because of the cream the hollow filter basically which we have used now I'm using this BB cream I don't want to go too much heavy but this is actually a very good cream मुझे लग रहा है मैंने ज़्यादा निकाल ली है अब हम इसे हमारे face पे apply करेंगे जैसे आपको सही लगे वैसे आप इसे अप्लाई करो रेस्ट में मेरे नेक पे लगा लूँगी आई होप माई वॉइस इज ऑडिबल टू एवरीबडी है ना मैं अब आपको ये ब्लेंड करने के बाद मिलती हूँ ओके सो टुडे आई एम यूजिंग लाइक अ न्यू ब्लश विच इज फ्रॉम सिंपली नाम ठीक है आई एम इन द शेड डस्की नो रोजी पिंक which says partner in crime this is how it looks and I'm excited to use it like the for the very first time I'll use like this brush to just take it and apply. Okay, it's good. It's pigmented. It's brightly pigmented. Okay, nice. And it has like a strong fragrance into it. Let's see ki kya main in future ke aur shades use karungi ya nahi karungi. But I think theek hi hai. I have seen like this is like a very hyped product and this is costly as well. So better it stays at least for a whole day now I'll fix my face because I'm basically done with all like the cream things uske baad fir hum is pe powder apply karenge which is another hack for you guys ki agar aap makeup fixer ke baad powder use karte hain then it will be more you know good wo aur acche se makeup pick wo set karta hai so yep With my K beauty powder और वो मैं थोड़ा सा पफ पे लेकर के अप्लाई करूँगी उस एरिया पे जहाँ आई नो कि मैं बहुत ज़्यादा ऐसे यू नो चांसेस हैं कि मेरा मेकअप क्रीज करेगा जैसे आई अप्लाई हियर बेसिकली टू मैटिफाई लाइक लिटिल बिट क्योंकि वो ऑटोमेटिकली मेरा स्किन थोड़ी देर में ऑयली हो जाता है नमस्ते मेरा नाम सृष्टि है और मैं डिस्प्रेशन में रहती हूँ लाइक रियल आई लिव इन डिप्रेशन डिप्रेशन इसलिए क्योंकि लॉ स्टूडेंट हूँ यार आपको पता नहीं है कि 22 की एज में होने के बाद भी अब आपकी लाइफ में क्या करोगे ना आई एम नॉट 22 राइट नाउ बट आई विल बी टर्निंग 22 लाइक विद इन अ वीक और समथिंग सो या आपको पता नहीं है आप अब लाइफ में क्या करने वाले हो अगर मैं मेरी यूट्यूब करियर के बारे में भी बताऊँ सो ऐसा लग रहा है कि इट्स नॉट डूइंग लाइक इट शुड डू बट ठीक है टाइम टाइम की बात है Now at the end I'm go with this highlighter from Stake Work. मुझे like दूसरे brand का ना ज़्यादा अच्छा लगता है ये वाला highlighter जिसका मुझे नाम भी याद नहीं आ रहा है अभी NY Bea उसका highlighter is wow literally wow just it will make you feel like a wow so अब part है कि हम इस highlighter को कैसे blend करेंगे so I will take this brush और आपको बस इसे ब्लेंड करना है ऊपर की डायरेक्शन में राउंड राउंड करते हैं सर्कुलर मोशन ट्रस्ट मी गाइज लिक्विड हाइलाइटर
इज द नीड ऑफ द आवर फॉर यू नो दिस विंटर मंथ. अगर आप हेल्दी ग्लो आपके फेस पर दिखाना चाहते हो तो पाउडर हाइलाइटर से आई फील के कंपैरेटिवली कम मिलता है. आई एम ऑलमोस्ट डन विद माई मेकअप एंड फाइनली आई यूज दिस मेकअप फिक्स एंड स्प्रे वंस अगेन टू गिव इट लाइक अ फाइनल लुक. एंड अब मैं आपको लिपस्टिक लगा करके और फुल लुक के साथ मिलती हूँ. सो दिस वॉज माई फुल लुक एंड दिस इज लिपस्टिक. लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर. बाय.